हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द श्रियाजो। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इजी और टेस्टी बनने वाली रेसिपी मूंगफली दाना की, टेस्टी मूंगफली कतली। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मूंगफली के दानों को अच्छे से मतलब साफ कर लिया है पहले, और फिर इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें मैंने कोई घी या किसी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनका जो मूंगफली के दाने का छिलका है वो छूटने लगा है लगभग। तो इस स्टेज पर इसको हम यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मैंने सारे दानों को छिलके हटा लिए हैं और बिल्कुल साफ़ कर लिया है। इस तरह से आपको बिल्कुल साफ़ कर लेना है, क्योंकि अगर कहीं पर भी छिलके रह जाएंगे इस टाइप से तो उसे कलर थोड़ा फेड हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी छिलके ना रहें। सारे दानों को मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से पीस लेना है, और पीसते समय इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ये थोड़ा मिक्सी को रोक रोक के पीसना है, जिससे कि इसका जो ऑयल होता है वो ना निकले। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से इसको पीस लिया है। तो यहाँ पर एक दो बीज रह गए हैं, उनको निकाल देंगे। तो इसी तरह से आपको अच्छे से पीस लेना है। और अब इसकी चाशनी बनाते हैं। एक तार की चाशनी में थोड़ी सी आपको मेजरमेंट ले लेना है। तो मैंने एक ये कटोरी ली है, जिससे मैंने मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर एक कटोरी चीनी ले रही हूँ, क्योंकि मैंने इसी कटोरी से दो कटोरी मूंगफली के दाने लिए थे। तो इसी से मुझे एक कटोरी चीनी लेनी है। अब हमें इसी कटोरी से आधी कटोरी पानी इसमें ऐड कर लेना है, और ये चाशनी यहाँ पर मैं बनाऊँगी। पर आप देख सकते हैं चाशनी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। कुछ ही मिनटों में यहाँ पर ये एक तार की चाशनी बन के रेडी हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पर हमारी एक तार की चाशनी बन के रेडी हो चुकी है। इसको इस तरह से हम देखेंगे कि ये देखो तार बन रहा है और टूट नहीं रहा है, इसी को एक तार की चाशनी बोलते हैं। अब इसमें जो मूंगफली के दाने को पीस के रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने मूंगफली के दाने को जो पीस के रखा था उसको यहाँ पर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाते रहेंगे बराबर। तो फाइनली हमारी मूंगफली कतली रेडी है, और मैंने इसको थाली में फैला के पीसेस भी कट कर लिए हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखती है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग बरकरार है। तो क्यों ना अब की बार इस दिवाली हम घर में कुछ स्पेशल बनाएं। तो इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।